हंसता हूँ बेशकता हूँ, एक नजर करम भी तकता हूँ। देख राई, मैंने अपनी जान अपने वादे पर कुर्बान कर दी है। नहीं शादी नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जाने वालों को कहा रो सका है कोई। वादा करो, जीवन में तो हम मिल नहीं सके, लेकिन मरने के बाद हम आसमानों पर जरूर मिलेंगे। वादा करो, वादा करो राहिल। Cut it, cut it. नो मुमताज, तुम मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर सकी। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशंस में वो इजहार चाहिए जो लोगों के एहसास दिला सके कि तुम जहर खा चुकी हो। तुम्हारी आंखों में मुझे वो तिश्नगी चाहिए, जुदाई की वो तड़प चाहिए जो मौत के मंजर की अक्कासी कर सके। नो यू फॉलो मी? मैं ये शॉट 6 बार दे चुकी हूं तारिक साहब, मेरी तरफ से ये शॉट ओके है। कौन सा शॉट ओके है और कौन सा शॉट ओके नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं मेरा है। मुझे एक शॉट और चाहिए। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तारिक साहब, आप मेरी मांग का कुछ तो ख्याल करें। फनकार की इज्जत उसके काम से होती है, उसके नाम से नहीं। ओह, अपने नाम से ज्यादा अपने काम से प्यार करना सीखो मुमताज। आपके मशवरे का शुक्रिया। आप ये शूटिंग पैकअप करा दीजिए, आज मुझसे काम नहीं होगा और वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं है। प्लीज, मूड ठीक नहीं है तो ब्रेक कर लेते हैं, हैव रेस्ट, लेकिन शॉट मुझे परफेक्ट चाहिए। मेरा टाइम बहुत कीमती है डायरेक्टर साहब, अब मैं जाना चाहूंगी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाने से पहले इतना सुन लो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म की कास्ट से अलायदा करता हूं। यस सर। मैडम की गाड़ी में बैठने से पहले इनके जिस्म से ये प्रोडक्शन का कीमती लिबास उतार लेना। ओके सर। एंड पैक अप। या खुदा, अभी क्या होएगा? ये तारीख, अरे तुम साला उस हीरोइन को तो छुट्टी करा दिया नहीं, ठंडे दिल से सोचो, ये मामला तो तय हो जाता नहीं। अभी मुमताज जैसा चौकरी किधर से मिलेगा? क्या खुद साहब, अब वो मुमताज मुमताज नहीं रही। उसके जहन में काम करने के बजाय सिर्फ दौलत समेटने के हथकंडों की भरमार है। अरे बाबा, दौलत के मामले में तो ये शौक सबको है नहीं इकट्ठा करने का, ये सब हीरोइन इकट्ठा करती है। अभी तुम किस किससे लड़ेगा बोलो? नहीं किस किससे लड़ेगा तुम? क्या मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के दामन में छुपी हुई हर बुराई से लड़ूंगा सेठ साहब? बाबा तुम माल कमाओ नहीं तारिक बाबू, माल कमाओ, ऐसा मत सोचो। देखो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। अरे नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। नहीं क्या आप ठीक कहा सेठ साहब, लेकिन मैंने नफा और नुकसान की कभी परवाह नहीं की। मैंने फैसला किया है कि आपकी इस फिल्म में मैं मुमताज की जगह किसी नई लड़की को इंट्रोड्यूस करूंगा। अरे बाबा, अच्छा ठीक है, इंट्रोड्यूस कराओ नई लड़की को, नई लड़की को ही इंट्रोड्यूस कराओ। पर जो कुछ करना है एकदम जल्दी करो नहीं तारिक बाबू, तुम इस फिल्म को इतना खूबसूरत बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ कि इसका हर फ्रेम में से मोहब्बत का रस टपकना मांगता है। एक
म्यूजिक ऐसा पिक्चराइज कराओ, ऐसा पिक्चराइज कराओ कि देखने वाला तुम्हारा खोपड़ी का सोच को एकदम खुश हो जाए। नहीं क्या बोला? आज पहली बार मुझे आपके आने का एहसास नहीं हुआ। शुरू में सच्चाई हो तो ये सब कुछ भुला देते। वैसे तुम जैसी बीवी किसी आसमानी तोहफे से कम नहीं। यही बात अगर मैं आपके बारे में कहूँ तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। लाइए मैं आपके जूते उतारती। अरे अरे फिर वही आपका, कितनी बार कह चुका हूँ तुम मेरी बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं। शौहर की खिदमत में एक मशरकी और तो क्या हासिल होता है, ये एक औरत ही जानती है जी। ओफो, एक तो बातों में तुमसे कोई जीत नहीं सकता। अच्छा जनाब, खिदमत करने वाले को अजमत मिलती है। जी हाँ, चले उठे कपड़े बदले, उठे उठे चले चले। उठाइए। चलिए उठ रहा हूँ। आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? शूटिंग कैंसिल हो गई। क्यों? मुमताज का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, वो अपनी शोहरत का रोब मुझ पे डालना चाह रही। अच्छा? मैंने उसे अपनी फिल्म से कट कर दिया। क्या? अल्लाह, अब क्या करेंगे आप? कोई नई लड़की ट्राई करूंगा। अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं दे देते? आपका नाम और मकाम देखकर तो बहुत सी लड़कियां आ जाएंगी। यही सोचा है और इश्तिहार भी दे दिया। अच्छा, मुन्ना कहाँ है? सो गया है। बड़ी जल्दी सो गया? क्रिकेट खेलता रहा, बहुत थक गया, कोई काम नहीं करता। हेलो, अरे अजीम, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ रहते हो? बहुत जमाना हो गया तुमसे मिले हुए, बहुत दिल चाहता है तुम्हें मिलने को। हाँ ऐसा करो ना, तुम सुबह का नाश्ता हमारे साथ कर लो, ठीक है? चलो चलो, तो फिर कल मुलाकात हो, खुदा हाफिज। अजीम साहब कल हमारे साथ नाश्ता करेंगे। क्या बनाओ? 100-200 पराठे बना ले। क्या? हाँ, तुम अजीम को नहीं जानती हो क्या? 25 आदमियों का नाश्ता अकेले खा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदे रहो और मुझे पराठे खिलाते रहो। तुम्हें खाओ ना, हाथ क्यों रोकते हैं? यार आज भूख जरा कुछ कम है, वैसे भाभी पराठे बड़े लजीज पके, मगर अफसोस सिर्फ 16 ही खा सका हूं। अब अगर इसके साथ एक प्याला राजपूतों वाली चाय का हो जाए तो जिंदगी कुछ पुरसकून सी हो जाए। ये राजपूतों वाली चाय कौन सी होती है भाई? श्रीलंका की चाय सुनी है, कश्मीरी चाय सुनी है, चाइनीज चाय सुनी है। राजपूतों वाली चाय वो होती है जिसमें चीनी चम्मच की बजाय तलवार के साथ कोली जाए, कोई जाए और जल्दी से जाकर ले आए। आए, मगर कौन जाए और कौन लेके आए? मैं ले आती हूँ। हसरत ही रही कि हमारे सामने भी कोई मेहंदी लगे हाथों के साथ चाय का प्याला रखे, मगर मुझे लगता है ये हसरत मेरे सीने में ही दम तोड़ देगी। शादी? नहीं भैया, अब शादी क्यों नहीं कर लेते? एक आइडियल पसंद किया था भाभी, मगर वो हाथ ही नहीं आया। उसके बाद मैं सोचा कि तो कभी आएगी भी। यार मुंह अच्छा हो तो बात भी अच्छी किया करो। 5 लाख का मुंह है, बात डेढ़ पहले कर रहे हो, कमाल बात कर रहे हो यार। वो हाथ नहीं आई मेरे। उसके बाद मैंने सोचा कि जो जेवर मैंने ख्याली दुल्हन को पहनाने हैं वो मैं खुद पहन के फिर रहा हूँ। और चंद दिन और नहीं मिली तो उसे
कपड़े भी यही पहन के फिरता रहेगा। यार तारकी है, कमाल बात कर रहे यार, क्या बात हो रही है। मेरा ख्याल है मैं राजपूतों वाली गर्मा गर्म चाय ले ही आती। हाँ भाभी चलो। यार वो अपना तारिक, मैंने आज का अखबार पढ़ा है, तुम्हें एक अदद हीरोइन की जरूरत है। तो मेरी नजर में एक है। तो फिर उसे शादी क्यों नहीं कर ले? यार वो शादी करने के लिए नहीं, तुम्हारी फिल्म में हीरोइन बनने के लिए। कैसी है? कमान जैसे अपनों चेहरे पे साया करती हुई पलके, दराज केसू, झील जैसी उसकी आंखें। झील जैसी नहीं, झील जैसी। एक ही बात है, गहरी आंखों को कहते हैं, झील जैसी हूं या झील जैसी, चलती है तो कमर का बल। पहाड़ी रास्तों को धोखा दे जाता है, रक्स करती है, कृतन था कृतन था कृतन था, तो पूरी दुनिया उसके साथ रक्स करती। लड़की क्या है, चलती फिरती कयामत है तारक, कयामत। कम करो कम करो, कुछ कम करो, क्योंकि इतनी सारी खूबियां किसी एक लड़की में नहीं हो सकती। ये सब अफसानवी बातें। अफसानवी नहीं, ये हकीकत है। पूरे शहर को उसने पागल किया हुआ है यार। तो ये है कौन और कहां रहती है? हुस्न के उस बाजार में जहां के दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। सब बताया था वैसी है ना? वैसे ही चे। गौरी भाई इनसे मिलिए, ये हमारी फिल्मों के नामवर हदायतकार और हमारे यार तारिक साहब। हमने आपका बहुत नाम सुना था, शुक्र है आज दीदार भी हो गए। हम आपकी फिल्में बहुत शौक से देखते हैं। शुक्रिया। खूबसूरत लोगों की पसंद भी खूबसूरत होती है। अभी कैसा फर्स्ट क्लास बात बोला नहीं क्या? जुंदे रहो। क्या सुनेंगे आप? कोई अपने जैसा रंगीन गीत सुना दो, जुंदी रहो। और
दानस ऐसा दिखाओ कि धरती पर एकदम जलजला आ जाए। नहीं क्या जल्दी खत्म कीजिए, हमें बहुत नींद आ रही है। सोने के लिए उम्र पड़ी है दीदी, गफलत की एक घड़ी इंसान को उसकी मंजिल से कोसों दूर कर देती है। अपने मामा की बात को गौर से सुना कर बेटी, अगर ऐसे जहीन लोगों का साथ ना हो तो जवानी अभी बोल जाती है। याद रखना मेरी बच्ची, उस डायरेक्टर के रूप में पहली बार तुम्हारे पुस्तक मिलने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है बेटी। तुम अपनी अदाओं और नखरों के नश्तर तेज कर लो बेटी, हमारी दी हुई तालीम की आजमाइश का वक्त आन पहुंचा है। तुम हीरोइन बन जाओगी तो सारी बरादरी हमें हसरत की निगाह से देखेगी और बाजारे हुस्न का हर फैसला हमारे इरादों का मोहताज होगा। हम जानते हैं छैया जान, जिन परिंदों की परवाज बुलंद हो वो जल शिकार हो जाते हैं। हम तारिक पर अपने जलवों की बरसात कर देंगे। बात छोटी सी है बेटी, फैल के अफसाना बने। बात छोटी सी है बेटी, फैल के अफसाना बने। कोई दीवाना बनाए, कोई दीवाना बने। बात छोटी सी कभी फैल के अफसाना बने। सॉरी मैया। नहीं, एक खुशखबरी सुनोगी? खुशखबरी? मुझे मेरी हीरोइन मिल गई। आपकी हीरोइन या फिल्म की हीरोइन? अरे बाबा, फिल्म की हीरोइन। इसका मतलब है आपका इंटरव्यू काफी कामयाब रहा। इंटरव्यू तो बहुत बकवास था, कोई ढंग की लड़की नहीं मिली। अच्छा, तो फिर ये कौन? यह एक नहायत ही हसीन और जहीन लड़की, मेरी फिल्म के लिए बहुत मौजूद। खासे इंस्पायर दिखाई देते हैं, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? तुम जैसे खतरे के होते हुए मुझे कोई और खतरा नहीं हो सकता। चल, ये बात मान रही थी। तुम्हारी यही बात है तो मुझे अच्छी लगती। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई, और तो हमारी जिंदगी की हीरोइन है। एक बात बोलूं? बोलो क्या?
अगर मैं एहतियात ना करती ना तो इस घर में पूरे एक दर्जन बच्चे शोर मचा रहे होते। कौन है? पापा मैं हूँ मुन्ना। अब आप दोनों जल्दी सो जाए, सुबह आपने मुझे स्कूल छोड़ने जाना है। गुड नाइट। बोरी मेरे मुस्तकबिल के आटे की बोरी, सबको भूल जाना मगर उस्ताद चमोटे खान को जरूर याद रखना। हीरमन बनते ही मुझे म्यूजिक डायरेक्टर जरूर रखवा लेना। खुदा की कसम पूरी, ऐसा जबरदस्त कमाता खेल म्यूजिक दूंगा कि बस जब तुम पहली बार स्क्रीन पर नमूदार होगी तो मैं इस किस्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा। तरम पम पम तरम पम पम तरम पम पम तरम। उस्ताद जी अब बस भी करें। किसी से बात न करना बेटी, तुम्हारे मुस्तकबिल का टेलीफोन नंबर ले आया हूँ। बड़ी एहतियात से हालात हाजरा पर तबसरा सुना दो। हेलो, हम बिला इजाजत आपको डिस्टर्ब करने की माफी चाहते हैं। कल रात जब आपको पहली बार देखा तो सारी रात आंखों ही आंखों में गुजार दी। कहिए आपको हमारा रक्स कैसा लगा? तुम एक अच्छी फनकार हो, मैं समझता हूँ तुम्हें काफी टैलेंट मौजूद है। खुदारा हमारी इस कदर तारीफ मत कीजिए, ना जाने हम अपने आप को क्या समझ बैठे। अरे सासिक, अब तक अच्छा लगता है बोरी। कल रात हम आपके सामने अपनी जान तोड़ के नाचे, अब तक हमारा अंग अंग टूट रहा है। ना जाने अचानक फसल करते थे हमें आपका ख्याल आ गया। आज हम क्या महसूस कर रहे हैं आपसे कह नहीं सकते। बहरहाल आज शाम हम आपके मुंतजर रहे, हमारे कान आपकी कदमों की आहट सुनने के लिए बेताब रहे। जरूर आइएगा। बाय। ये आज आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकती। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझे तारिक साहब, गोरी के तो नसीब जाग उठे हैं और आप जैसे कदरदान तो नसीब वालों को मिलते हैं। नसीब दर पे तेरे यन के आसमान आया हूँ, नसीब दर पे तेरे उई, नसीब दर पे तेरे आँ, नसीब दर पे तेरे जन जन। उस्ताद अगर नसीब इतनी ही तकलीफ में तो क्यों आजमा रहे? अबे बैठे पे क्या बैठता है बे? अंधे हो क्या नजर नहीं आता? अल्लाह हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? आपकी बेताबी का शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये हमारे स्टिल फोटोग्राफर हैं। जी मुझे आजम कहते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी चंद तस्वीरें बनवाना चाहता हूँ। एतराज?
और वो भी आपकी किसी बात पर। तौबा तौबा, हमें गुनाहगार न कीजिए। तुम्हें लाख लाख मुबारक हो गोरी, तारिक साहब ने तुम्हें अपनी फिल्म के लिए हीरोइन पसंद कर लिया है और मुझसे मुआवजा तय करना चाहते हैं। ओ, तो फिर आपने क्या कहा? भला अपनों से भी कोई मुआवजा लेता है? जी शुक्रिया, लेकिन मैं कोई काम बगैर मुआवजे के लेना मुनासिब नहीं समझता। किसी से बात न करना, ये तो आपकी आला धरती है साहब। सरकार, आप जो भी मुआवजा देंगे हम कबूल कर लेंगे। मिस्टर आजम जी, जी सर, आप अपना कैमरा रेडी कर लें और गोरी की स्टिल्स बनानी शुरू कर दें। पहुंचे ना। Thank you.
तेरे साथ जाऊंगी। तेरे मुख फेर मैं तेरे हाथ आ जाऊंगी। जानू मैं साजन मेरे, जानू मैं साजन मेरे, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। काहे काहे हाय काहे तो तेरे मुख फेर मैं तेरे जाऊंगी। नहीं 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 कट इट नहीं फैसल नहीं, यूं लग रहा है जैसे तुम गोरी से डर रहे हो, झिझक रहे हो। ऐसे नहीं, मुझे चाहिए कि तुम पूरे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ होल्ड करो गोरी को, ठीक से खुल के शॉट दो। सर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप आई नो चलो एक दफे और ट्राई करो। लेट्स ट्राई। ओके तारिक साहब, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप ये सब कुछ करके दिखा दें? मैं? जी हाँ। ओके व्हाई नॉट, ठीक है। प्रेजेंट तुम देखो, साउंड स्टार्ट करो। ओके फैसल, हाँ समझ गया मैं क्या चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। मुश्किल शॉट किस कदर आसानी से दे दिए। काम से सच्ची लगन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, अपने मामा और छैया जान फिक्रमंद होंगे। उनकी इस कदर फिक्रमंदी की वजह? वो दरअसल आप समझते नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई ना। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। पूछिए ना। तुम ये नाचने गाने का काम अपनी खुशी से कर रही हो या? अपनी खुशी से कौन नाचता है तारिक साहब, मजबूरियां ही इंसान को रुसवा करती हैं। तुम बाजारे हुस्न में रहना चाहती हो या कुछ और भी सोचा है? हमारी दुखती रग मत छेड़िए तारिक साहब, वरना हम रो देंगे। हुस्न के उस बाजार में हमारा जिस्म रहता है, हमारी रूह तो कहीं और बसना चाहती है। खुद पर जबर क्यों करती हो, कोई इलाका छोड़ क्यों नहीं देती? हम गुनाह की उस बस्ती की पैदावार हैं, जहां लोग शौक से गुनाह का बीज बोने आते हैं, और जब वो फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसे लालच की दरांती से काट कर किसी और गुनाह करने वाले की झोली में डाल देते हैं। हमारा सब्र मुद्दत से घुंघरू बांधे नाच रहा है, हमारी मजबूरी फरियाद बनकर हजारों बार आसमान के सीने से टकराई, मगर शायद ऊपर वाला भी हमारे लिए यही चाहता है। भर भर के नजर तकते हो इधर, बोलो दिल में बात है क्या? वाह जी वाह, गोरी मेरे मुस्तकबिल के आटे की बोरी, मैं इन दो यतीमों की तरफ से तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। तुम वाकई अपने फन की फनकारा हो, मगर जुल्म रहे और अमन भी हो ये मुमकिन है तुम ही कहो, यानी कि तुम तो हीरोइन बन गई हो, मैं म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं बना, मैं क्यों लेट हो रहा हूं? उस्ताद जी आप लेट की बात ना करें, आप उस्ताद हैं, खैबर मेल नहीं है। थोड़ी बेटी फासला रखना है, नहीं तो दूसरा तर न पाला समझ कर हड़प कर जाता है। किसी से बात न करना। अब
अभी मामा हम खूब जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम्म, बात न करना बेटी, जब तक तुम पक्की हीरोइन न बन जाओ उस वक्त तक अपने पुराने कर्म परमाओं को ना भूलना, उन्हें याद रखना, वरना रोता है देखो ये चप्पू हमारा। तुम तारा तुम तारा तुम तारा। उस्ताद जी, मुंह बड़ा और बुरा हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। हाँ बेटी, आज सेठ इरशाद काफी देर तुम्हारा इंतजार करते रहे। अच्छा? हाँ, और कल रात को तुमसे मिलने फिर आएंगे, जरा ख्याल रखना। गौरी, अब तुम हमें बहुत इंतजार करवाने लगी हो। इंतजार बढ़ जाए तो दीदार का लुत्फ दुबाला हो जाता है। हमारा ख्याल रखा करो गौरी, हम यहाँ के पुराने ग्राहक हैं। फरमाइए, हमसे क्या चाहते हैं आप? अरे जाना क्या है, हम तो ये फासले खत्म करना चाहते हैं। हमसे और सब्र नहीं होगा गौरी, तुम्हारे जिस्म के मद्देनजर की वजह से हम काफी बेकरार रहते हैं। कितने बेसब्रे हैं आप। हुजूर, फासले खत्म करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि बाकी की बात छैया जान से तय कर लीजिए। छैया जान हमसे वादा कर चुकी हैं गौरी, और हम जानते हैं एक खानदानी तवायफ का वादा कई मर्दों के कौल पर भारी होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर हुजूर फिक्र किस बात की है? सुना है फिल्म वालों का जादू सर चढ़ के बोलता है, ऐसा ना हो कि फल कोई और खा जाए और हम सिर्फ पेड़ ही गिनते रह जाए। अरे नहीं, अगर आपको हम पे एतबार नहीं तो आपको यहां आना जर नहीं देता। गौरी, दोष में हो गौरी, शायद तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम किससे मुखातिब हो। हम जानते हैं एक नाचने वाली एक तमाशबीन से मुखातिब है। आप जैसे लोग दुनिया की हर चीज रुपए पैसे के तराजू में तोलना चाहते हैं, मगर याद रखो सेठ, बाजार में पड़ी हुई हर शय बेकार नहीं होती। हमारे मुंह में भी जबान है, हम भी सीने में दिल रखते हैं, हमारी भी कोई आरजू है, कोई ख्वाहिश है। हम हर वक्त दौलत के इशारों पे नहीं नाच सकते। सुनो सेठ, बाजार हुस्न में तुम हमसे ज्यादा हसीन और जवान जिस्म खरीद सकते हो, मगर यहां किसी का दिल नहीं खरीद सकते। जाओ, चले जाओ यहां से, हम अभी बिकना नहीं चाहते, बिकना नहीं चाहते। छैया जान, गौरी ने हमारी तोहीन की है, हम आइंदा यहां कभी नहीं आएंगे। लगता है तुम्हारी ये बुलबुल किसी और शिकारी के फंदे में फंस चुकी है, लेकिन एक बात याद रखो छैया जान, कि हम जैसे दिल वाले भी कम ही मिलेंगे। क्या चुप हो जाओ बेटी, रोने से नसीबों का लिखा हुआ नहीं बदलता। तारिक साहब, अब आप ही से चुप कराइए कि हमारा कहना नहीं मानते। देख लिया आपने, लोग हमें खिलौना समझ के हमसे खेलना चाहते हैं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम किसी के हाथों नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। मैंने सब सुन लिया गुरु, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक हो जाएगा। आप हमें और हमारे गुनाहों को अपना लीजिए, वरना जिल्लत की इस चार दीवारी में हमारा दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। आप हमें और हमारे गुनाहों को अपना लीजिए, वरना जिल्लत की इस चार दीवारी में हमारा दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। पापा, अभी सोए नहीं? अच्छा हुआ आप मेरे सोने से पहले आ गए, क्योंकि आज मैंने फैसला किया था कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं भी अपने बेडरूम में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आ गया हूँ, तुम जाके सो जाओ। बहुत दिन हुए आपके साथ बात ही नहीं की, आज मेरा आपके साथ बातें करने का बड़ा जी चाह रहा है। सुबह नाश्ते पर तुमसे बातें हो जाएंगी, अब जाके सो जाओ। नाश्ते के वक्त भी आजकल आप चुप चुप रहते हैं, मेरे साथ बात ही नहीं करते, आखिर क्यों? क्या आप मुझसे नाराज हैं? बार बार सवाल नहीं किया करते? आप भी तो बार बार देर से खड़ाते हैं। मेरा जहन मत चाटो और जाके सो जाओ। डांटते क्यों है? आराम से कहेंगे तो चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बच्चे? मुझे पापा ने बेवजह थप्पड़ मारा। क्या? पापा गंदे हैं। बकवास बंद करो। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बच्चा। चलो शाबाश, पापा से माफी मांगो। चलो क्या? मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्हें से अगर कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांग लेती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत ने उसे खासा गुस्ताख बना रखा है, उसे समझाओ वरना पछताओगी। अगर पछतावा ही मेरे नसीब का हिस्सा है तो मैं इसे खुशी से कबूल कर लूंगी। ये हर वक्त फलसफियों वाली बातें अच्छी नहीं लगती, अपनी बात को आसान लफ्जों कहने की आदत डालो वरना। आज क्या बात रे, ओ आज क्या बात रे, सरकार वो पहले से नहीं। आज क्या बात है, सरकार वो पहले से नहीं, बदले बदले से आसार वो पहले से नहीं। आज क्या बात है, सरकार वो पहले से नहीं, बदले बदले से आसार वो पहले से नहीं। आज क्या बात है, क्या बात है।
मुझे अपनी गलती का बार बार एहसास हो रहा है। काश मैं तुम्हें गोरी के कोठे पे लेके ना गया होता। वैसे यार गोरी को दाद देने को जी चाहता है। तुम जैसे जहीन इंसान को पटरी से उतारना इतना आसान काम नहीं है। अब मुझे यकीन हो गया है कि अरस्तु जैसे जहीन आदमी को एक औरत ने घोड़ा कैसे बनाया था। तुम गलत समझे वसीम। गोरी बाजारे हुस्न की पैदावार जरूर है, लेकिन वो गुनाह की उस बस्ती में रहना नहीं चाहती। उसे नफरत है उस माहौल से। जिंदा रहो, तेरियां सफाइयां मछली पानी से, परिंदे फजाओं से और तवायफ अपने माहौल से कभी नफरत नहीं करती। तवायफ की अदाओं और नख का समंदर इतना गहरा होता है कि जहानत चाहे भी तो तैर कर उसे पार नहीं कर सकते। यार मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि तुम भाभी के इत्माद का नजायज फायदा उठा रहे हो। मैं फिसलने को जी चाहता है। किसी से बात ना करना, लगता है शीश महल में आ गए हैं। क्या कारीगर तेरी पैदा की है। मैंने तो कभी ये सब कुछ ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी गोरी तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, और मैं जानती थी गोरी कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर मारेगी। किसी से बात ना करना, दीवारों के भी कान होते हैं, पैदरा अंदर की तलाशी ले आऊं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है, बड़ा तूफान तूफान। रिदम नहीं आता, छई मिल नहीं सका, वरना आधी दुनिया खरीद के चक्कर में तो टूटी रही हो। आए बिकती रहे तो वो दुनिया की हर चीज खरीद सकती है। वादा कीजिए
सारी जिंदगी हमें ऐसे ही चाहते रहेंगे। एतमाद की डोर वादे की जंजीर से ज्यादा मजबूत हो, वफा की पुतली और शराफत की देवी। लेकिन तुम में कोई ऐसी बात जरूर है जो उसमें नहीं है। मगर हम भी तो अपना सब कुछ अपने निछावर कर देना चाहते हैं। हक भी यही है, मैं कोठी की सजावट और बनावट देखकर मेरा तो 1.5 किलो खून भर गया। किसी से बात न करना, ऐसे कदरदानों से तो कुछ भी बचा के रखना बेईमानी है। हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है। इतनी महंगी कोठी गोरी के नाम खरीद कर तारिक साहब ने तो हमें खरीद लिया है। मैं दिल खरीदना नहीं, जीतना चाहता हूं। मैंने गोरी की ख्वाहिश का एहतराम किया है और इसके बस मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि इस घर में मेरे सिवा कोई और ना आए। हुजूर, इल्मों की कमाई अभी इतनी ज्यादा नहीं है, वरना हम तो आपके अलावा किसी दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाहते। किसी से बात ना करना, महंगाई का दौर है, थोड़े में पूरा नहीं पड़ता। आप अपने घरेलू अखराजात की फिक्र मत कीजिए, हर महीने एक माकूल रकम आपको मिलती रहेगी। क्या दिल गुर्दा है साहब, चाहिए जान जल्दी से नथ उतरवाई की रस्म की तैयारी करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रूप चढ़ा है तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। पुरानी बात है चाहिए जान, याद रखना गोरी, शादीशुदा तमाशबीन को शीशे में उतारने के लिए एक तवायफ को अपनी पहली मीठी रातों में बड़ी जबरदस्त जंग लड़नी पड़ती है। बूंद बूंद गिरोगी तो मर्द प्यासा रहेगा, मर्द प्यासा रहेगा तो तुम्हारे दाम बढ़ेंगे, तुम्हारे दाम बढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा। तारिक पर इस तरह छा जाओ कि उसे तुम्हारे सिवा कुछ नजर ना आए। वैसे भी तारिक हसीन मर्द है, अगर उसकी औलाद जनोगी तो आने वाले वक्त में सोने और चांदी के निवाले खाओगी। देखती जाओ छैया जान, तारिक हमारे हुस्न के समुंदर में इस तरह डूबेगा कि फिर उसे कोई किनारा दिखाई नहीं देगा। जरा ख्याल रहे हुजूर, मेरी बच्ची अभी कच्चे सालों में है। जरा हाथ दिखाओ। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं, तुम्हारी आंखों की मस्ती पर आज सब कुछ कुर्बान कर देने को जी चाहता है। तुम्हारे वजूद से उठती भी आंच कहीं मुझे जलाकर राखी न कर दे। आपकी जिस्मों की शिद्दत ने हमें पिघला दिया, वरना हम आज तक पत्थर बन के जीते रहे। जूते नहीं उतारेंगे आप? लाइए मैं आपके जूते उतार दूं। ओहो, फिर वही हरकत। अरे बाबा, कितनी बार कह चुका हूं तुम मेरी बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं। शौहर की खिदमत में एक मशरूफी औरत को क्या कुछ मिलता है, ये एक औरत ही जान सकती है।
शायद कोई याद आ गया। ठीक समझी हो। आज की रात दूसरों का ख्याल छोड़िए, हमारी तरफ देखिए। ऐसी हसीन रातें बार बार नहीं आती। काफी तरक्की की है, अब तो आप पूरी पूरी रात घर से बाहर गुजार देते हैं। तुम अभी स्कूल नहीं गए? जी, जरा आप अपनी घड़ी की तरफ तो देखिए, दिन के 11 बज चुके हैं। मुझे स्कूल छोड़ने कौन जाता? I'm sorry बेटा, गलती हो गई। आइंदा से गाड़ी में घर ही छोड़ जाएगा। ओह, इसका मतलब है कि अब आप अक्सर रातों को घर नहीं आएंगे। तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये आज आप इतने घबराए क्यों हैं? क्या आपने कोई चोरी की है? आप आ गए? ऐसे क्या देख रही हो? आपकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही हैं। लगता है रात भर सोए नहीं आप। हाँ, वो सारी रात जागते गुजरी। मैंने स्टूडियो फोन किया था। वो लोग बता रहे थे कि दो रोज से आप वहाँ गए ही नहीं। दुरानी साहब बहुत नाराज हैं आपसे। उनकी शूटिंग क्यों कैंसिल करा दी आपने? दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया था अर्दा, कि आजकल मैं एक नई कहानी पर काम कर रहा हूँ। लगता है काफी दिलचस्प कहानी है। तुम ऐसा करो, नाश्ता लगवाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं भी आता हूँ। रुकिए। ओ गोरी, हाँ कहो कहो, क्या बात? घर में सारा दिन प्रोड्यूसर्स की भरमार रही और हमने चंद अच्छे प्रोड्यूसर्स की 10 फिल्में साइन कर ली हैं। मगर तुम इतनी सारी फिल्में कैसे करोगी? जैसे सब करते हैं, हर बड़ी हीरोइन सालाना 30-30 फिल्में करती है। ओ, करती तो है लेकिन गलत करती है। नाराज मत हो और जल्दी से तैयार होके सीधा इधर आ जाए। कुद्दूस साहब की पार्टी में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ज्यादा इंतजार मत कराइएगा, वरना हम बहुत उदास हो जाएंगे। इधर मरो, फैसल साहब।
मैंने बहुत से चॉकलेट खाए हैं लेकिन आप जैसा चॉकलेट पहली दफा चखा है जी। मेरा मतलब है मैं आपके हीरोपन की बात कर रहा हूँ चॉकलेट जी। अच्छा बाय द वे आप रहते कहाँ हैं जी? पता नहीं। पता नहीं, जिंदा रहो। आज हम कितने खुश हैं, आपको क्या पता है? एक्सक्यूज मी मैडम गोरी। मैडम, मैंने सुना है कि फिल्मों में आने वाली हर लड़की, चाहे वो कहीं से भी आई हो, आते ही मैडम बन जाती है। बहरहाल पहली कामयाबी पे पहली मुबारक कबूल करें। तारक साहब तो ऐसी कई मुबारकें हड़प कर चुके हैं बगैर मिठाई के। जिंदे रहो। हमारी फिल्म की तरह हमारी पार्टी भी बड़ी कामयाब रही। देखो चल रही है आपका। कांग्रेचुलेशन मिस्टर तारक। वैसे मैं रियलाइज कर चुकी हूँ, मेरी एक छोटी सी गलती ने मिस कोरी को मुल्क की नाम अदा कर तो बना दिया। चले एक खीरवन और सही। टेस्ट ऑफ लक। यू वेलकम। सुनिए यार, तुम रहते कहाँ? एक्सक्यूज मी यार, ये बताने का ये कारण है? अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलो, ये चीफ गेस्ट लोग तो ऐसे ही छोड़ता है। अपने यहाँ रहना, बस जैसे ही वो आता है इधर खाना शुरू, वही दो मिनट का बात नहीं। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी देर के बाद वो आप लोगों के दरमियान होंगे। ही कम। ये दौलत से बहुत देर कर दिया। अरे इस फोर्ट पार्टी का लोग तुम्हारे इंतजार में भूखा मर गया। ठीक बोलता हूँ? तुम्हारी पार्टी में हसीन चेहरों की काफी तादाद मौजूद है। हाँ। इनको देखने के बाद भूख का एहसास रह जाना जालत की निशानी है। बरूबर, 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 हाँ, मैं आपको फिल्म का मशहूर लोग से इंट्रोड्यूस करेगा, इनसे मिलो। ये हमारा फिल्म का डायरेक्टर है तारिक बाबू, बहुत काबिल आदमी है। इनसे मिलो, ये हमारा हीरोइन है मिस गोरी। सब लोग इसके पीछे पागल हो गए। हाथ मिलाओ, नहीं हाथ मिलाओ। इनको देखकर होश में रहना खासा दुश्वार है। एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। फरमाइए। हुस्न तो बस दो तरह का, खूब लगता है मुझे आंख में जलता हुआ या बर्फ में सोया हुआ। काफी खुश दौक है आप। अरे बाबा, ये है सेठ दौलत जहां, एकदम टॉप का आदमी। किसी का सोना बिकता है कि नहीं बिकता है कोई परवाह नहीं, पर इसका पत्थर एकदम डायमंड के माफिक बिकता है। देखो नहीं, ये है किंग ऑफ मार्बल्स। ये खुद भी कितना सफेद है, पर खून सफेद नहीं है। ये बोलता हूँ, ये तो बहुत ही बड़े आदमी है। इतने बड़े आदमी से मिलने के बाद अब किसी और से मिलने को जी नहीं चाहता। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप हमें चलना चाहिए गोरी। चल बरो 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 बरो। हमारे इंतजार में आज तो चिरों का रात है सेठ। हुस्न पे निखार है, हर नजर खुमार है। हुस्न पे निखार है, हर नजर खुमार है। लूट ले अबे मुंबई, लूट ले अबे मुंबई, बहार ही बहार है।
में डूबी शाम है, आज जश्न आम है। नशे में डूबी शाम है, आज जश्न आम है। नशे में डूबी शाम है, आज जश्न आम है। जिंदगी के हाथ में जिंदगी का जाम है, जिंदगी का जाम है। जा रही है बेखुदी, प्यार की पुकार है। हुस्न पे निखार है, हर नजर खुमार है। लूट ले बेखबर बहार ही बहार है। करार दूं मसरत हजार दूं, दिलों को मैं करार दूं मसरत हजार दूं, दिलों को मैं करार दूं मसरत हजार दूं। दिलों नजर की बात क्या, मैं जिंदगी बिमार दूं, जिंदगी भी वार दूं। बढ़ के हाथ थाम ले किसका इंतजार है। हुस्न पे निखार है, हर नजर खुमार है। लूट ले बाहर ही बाहर है। हमसे मुंह मोड़ लिया, हमारा कसूर क्या है? कसूर तो मेरा है, तुम्हारी चाहत का हक थाम कर मैंने आपदा से नाइंसाफी की है। ये एहसास हमेशा मेरे जमीर को चाबुक लगाता रहता है। आप हमारे सामने कितने दुलार से अपनी बीवी का नाम लेते हैं, उसका नाम सुन के हमारा दिल कबाब हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ किसी गैर का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता गुरी। तुम्हें दूसरों के साथ हंसते खेलते देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। ये सब तो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। कोई तो ऐसा होगा जो आपके सामने हमारे सीने पर अटकेलियां करेगा, हमारी जुल्फें परेशान होती देखकर आप भी उसका हाथ नहीं रोक सकेंगे। हाय, कितना इंतजार इसका। काश वो चलती से आ जाए। क्या कह रही हो? बस आ गया गुस्सा। अरे साहब, हमारे यहाँ एक नया मेहमान आने वाला है। गौरी, हमारी मोहब्बत को वजूद मिलने वाला है। चंद ही महीनों में हमारा ख्वाब हकीकत बनकर हमारी गोद में चला आएगा। तुम मां बनने वाली हो, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? नहीं गौरी, तुम अभी मां नहीं बनोगी।
हर औरत एक ना एक दिन माँ बनती है, फिर हमारे माँ बनने पर आपको क्या इतराज है? हर औरत फिल्म की हीरोइन नहीं होती, अब तुम्हारी तुम्हारी फिल्मों का क्या बनेगा? बनना क्या है, जब वो दिन नजदीक आएंगे तो ये खबर बड़ी आसानी से अखबारों में लग जाएगी कि हम लोग मुल्क से बाहर सैरो तफरी के लिए चले गए हैं। लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हर बात कहने का एक वक्त होता है तारिक साहब। नहीं गोरी, हमें डॉक्टर से मशवरा करके इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। नहीं तारिक साहब, हम पहले ही बहुत गुनाहगार हैं, इतना बड़ा गुनाह हम अपने सर नहीं ले सकते। देखो ना, तुम्हारा मेरा बाकायदा निकाह नहीं है और नाजायज औलाद का वजूद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे मोहल्ले में नाजायज को जायज समझ के पैदा किया जाता है तारिक साहब। उस बाजार में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे के माथे पर माँ बाप का निकाहनामा चिपका नहीं होता। बाजारे हुस्न में कदम रखा है तो उसके असूल भी अपनाने होंगे। नहीं गोरी, मैं गुनाह के शीशे में अपना चेहरा नहीं देख सकता। इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही रोक दो गोरी, वरना कुछ भी नहीं होगा। आप घबरा क्यों गए? लाइए, हम आपका पसीना साफ कर देते हैं। गोरी, तुम बेटा पैदा करना। अरे साहब, हमें तो एक मुद्दत से अपने जैसी बेटी की आरजू है। नहीं गोरी, तुम बेटी पैदा नहीं करोगी, तुम बेटी पैदा नहीं करोगी। अरे साहब, हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, बेटा हो या बेटी, हमें तो आपकी शराफत की एक निशानी चाहिए। अभी तक सोई नहीं तुम? सोने के लिए तो एक उम्र पड़ी है, मेरा ख्याल है मुझे अब जागना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती क्या? क्यों नहीं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। दुल्हन मोही जो पिया मन भाई, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मैं खा चुका हूँ। आजकल आप बाजारी खाना कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं। लाइए मैं कोट उतार। उतारो ना, क्या सोच रही? तारे, सुर्ख रंग खतरे की अलामत होता है ना? ये अचानक सुर्ख रंग कहां से टपक पड़ा? बाज रंग मुकद्दर का हिस्सा जो होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मां का साया, बाप की शफकत, बहन भाइयों की मासूम शरारतें, सहेलियों का प्यार, ये सब कुछ एक औरत एक एक मर्द के लिए छोड़ती है ना, है ना तारे? तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। देखो ना, मेरे काम में
औरतों का साथ तो रहता ही है, ऐसी कोई बात नहीं आपदा, यकीन करो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो प्रोडक्शन के सिलसिले में मुझे मुल्क से बाहर जाना है, कल लंदन की सीट बुक कराने के अलावा मुझे कुछ और भी छोटे मोटे काम है। मैं कई दिन से सोच रही हूँ, मुन्ना काफी बड़ा हो गया और मैं खुद को बहुत खाली खाली महसूस करने लगी हूँ। क्यों ना हम एक बच्चा और पैदा कर लें? नहीं अब्दा, मुन्ने को अभी तुम्हारी सख्त जरूरत है, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम्हें मुबारक हो, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। गौरी ने चांद सी बेटी पैदा की। माँ सत्ती, ये लो शहद और अपने हाथों से बेटी के मुंह को लगा दो, अल्लाह करे इसकी हर आदत तेरे जैसी हो। ये लो। हमने कहा था ना, हमें एक अपनी जैसी बेटी चाहिए, मगर आप बेटे का तकाजा कर रहे थे। देखा, हम जीत गए और आप हार गए। ठीक कहा था तुमने। हमारे साथ वो इधर देख सरद, तू उधर विनायक का सैर करता था, इधर हमारा फिल्म डब्बा हो गया। डब्बा ये बोलता है तो हमारा दिल डब्बा हो जाता है, एकदम बैठ जाता है। मुझे एक मौका और देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की कोई शिकायत ना। अरे तेरे साथ तो कारोबार ही नहीं करना, एक शिकायत का मौका किधर से मिलेगा? मैं कारोबार करता हूँ, नहीं मैं तेरे को और मौका किधर से दूंगा? ये देख, खुदा ने तेरे को एक मौका दिया पर तू सारा पटरी से उतर गया। देख, वो जो गोरी है वो तेरा मुकद्दर काला कर देगा, एकदम काला कर देगा, ब्लैक कर देगा तेरे को। शुक्रिया सेठ साहब। तारिक, क्या बात है, आखिर कब तक किस तरह सोचते रहेंगे? परेशानी किसी मुसीबत का हल नहीं होती। मुझे इस घर से खुशियां रुखसत होते दिखाई देती हैं आपदा, लगता है दुखों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। खुशियां दो गमों के दरमियान वक्फा बनकर आती हैं तारिक, इनका एतबार नहीं करना चाहिए। आपकी फिल्में फ्लॉप होगी तो क्या हुआ, आप तो फ्लॉप नहीं हुए ना? लेकिन प्रोड्यूसर्स तो समझते हैं कि मैं एक फ्लॉप डायरेक्टर हूं, मेरा टैलेंट खत्म हो चुका है। गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। कमजोर लोग ही कामयाब लोगों का साथ देते हैं। आप हिम्मत ना हारे, मुझे यकीन है तारिक, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। हम अंदर आ गए।
भाई अंदर तो साहब आप आ ही चुके हैं, अगर आपके पास तशरीफ है तो रखिए। हम यहाँ तशरीफ रखने नहीं आए। तो क्या ड्यूट गाने आए हैं आप? दावत जहाँ ने गौरी बेगम को सलाम भेजा है। सलाम तो खासा लेट पहुंचा है, मगर फिर भी मेरे दोस्तों आओ मेरे सीने से लग जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे नोटों की खुशबू आ रही है और हमें आपसे लेलों की बू आ रही है। हमने घर में ऐसी चीजें भी रखी हुई हैं, तो दोस्तों मुझे तो सेठ दौलत जहां का कुत्ता भी अजीज। कुत्ते नहीं है हम, सेठ दौलत जहां के, उन्होंने गौरी बेगम के लिए ये तोहफा भेजा है। जल्दी से देखो भेजा क्या है। 5 लाख से क्या कम होगा। मैंने गालिबन पहले भी आप दोनों को कहीं देखा है, किसी जेल में या रेल में या टीवी के खेल में या फिर पुराने पार्टी शो की डब्बी पर। हमने आपको कहीं देखा है? कहाँ? घोड़े वाली माचिस पर। ये लो, अपनी मूंछों को जरा छोटा करवा लेना। हाय हाय अल्लाह, कितना कीमती सेट है दोस्तों। ये असली हीरे है या नंबर 2? ना करो ना ड्रा सामू, हमारे से नकल पर हाथ रखते तो असल का गुमान होने लगता है। लगता है किसी बड़े आदमी से आपकी मुलाकात नहीं हुई आज तक। आप चाय पियेंगे? हम हर काम शेख के ऑर्डर के मुताबिक करते हैं, चाय पीने की इजाजत नहीं है हमें। यहाँ से बाहर जाने की इजाजत तो है ना आपको? यस सर। बड़ा कीमती हार है, हीरो का लगता है, असली हीरो का है ना। अरे तारिक साहब, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। खैर तो है, आप लोगों को पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ गई? हाँ जी, जरूरत तो हमारी पूरी हो गई, मगर फिर भी कम है। खैर से गौरी की सालगिरह में 2 दिन बाकी है और अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। गौरी अच्छी तरह जानती है कि आजकल मैं ज्यादा खर्च करने की पोजीशन में नहीं हूं, लिहाजा इस दफा सालगिरह हम सादगी से मनाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है गुरु? हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन छे जान फिल्मी लोगों को और सारी बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगी? और फिर हमारी सालगिरह का इंतजार तो सारा साल होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद गौरी की पहली सालगिरह है, अगर धूमधाम से ना मनाए तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मैं आपकी नाक बचाने के लिए कहीं डाका नहीं डाल सकता। आपको डाका डालने की क्या जरूरत है साहब, आप बस गौरी को इजाजत दे दीजिए, फिर देखिए इसके एक इशारे से कितनी तजोरियां खुलती है। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो गौरी, इन्हें कुछ समझाओ, हम इतनी बड़ी सालगिरह नहीं कर सकते। 50-60 हजार रुपए की तो बात है, आप हमारा सारा जेवर देख लीजिए, हमसे छैया जान और अबू मामा की दिल छिकनी बर्दाश्त नहीं होती। आप मेरी गाड़ी की चाबियां रख लें, इसे बेचकर सालगिरह के खर्च तक पूरे कर लें। बुरा ना मानना, आदमी को अपनी इज्जत और वकार की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। गाड़ी का क्या, ये तो फिर आ जाएगी, लेकिन अगर सालगिरह ना हुई तो तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। आइए ये डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर सुन लीजिए। ओले भैया है ना बारी शीत वेला पिए कुछ भी ना दबाते। आप अपनी फिल्म में मुझे म्यूजिक का चांस देंगे? हाँ जरूर दूंगा। तो फिर एक तरह और सुनाओ प्लीज। बाबा माफ करो, किसी से बात ना करना। अभी केक मत काटना बेटी, मैंने कुछ खास मेहमानों को बुलवाया है। चंद लोगों के लिए इतने सारे लोगों का इंतजार करवाना कुछ अच्छा नहीं लगता। वक्त बड़े लोगों का इंतजार करता है।
बड़े लोग वक्त का इंतजार नहीं करते तारक बाब। वो तो आ गए। अरे इतने सारे तोहफों की क्या जरूरत थी सेठ साहब, आपका आना ही हमारे लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। खूबसूरत लोगों पर खर्च करना हमारी हॉबी है। हुस्न पर दौलत की बरसात ना हो तो उस पर निखार नहीं आता। आपकी बातें बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। वाह, आज तो सारे जमाने का हुस्न तुम्हारे वजूद में सिमट आया है। इससे पहले कि तुम्हें किसी की नजर लग जाए, हम तुम्हारा सथा उतारना जरूरी समझते हैं। पम 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 तमाशबीनो, इन फकीरों की तरफ और भी हीरे फेंको। शाबाश शाबाश, लूटो 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 लूटो, पम 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 तरम पम पम तरम पम तरम पम, उधर जाके लूट मेरे घुटने को गोपर। अरे वाह, क्या खूब तमाशा है। हजूर की जरा नमाजी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, वरना हम किस काबिल हैं। हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है, और तुम वो जरा हो जिसमें कई आफ्ताब बंद है। थैंक यू। आइए सेठ साहब, इनसे मिलिए, ये हमारे। बस बस, तारुफ की कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोग अपनी पहली मुलाकात में याद हो जाते हैं, और सच पूछिए हम तो इनके मशहूर हैं। इनकी पहली मुलाकात के खुलूस ने हमें तुम लोगों से दूसरी मुलाकात करने पर मजबूर किया। शायद हम इन्हें याद नहीं, मगर बाखुदा हम इन्हें उस दिन से लेकर आज तक एक लम्हे के लिए भी नहीं भूले। गुजरे हुए वक्त को याद रखना बेकार लोगों का मशगला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा अपना भी यही ख्याल है। खैर, इससे पहले कि ये नाजुक सा केक किसी नाकाम आशिक के दिल की तरह कट जाए, हम इस सालगिरह का सबसे कीमती तोहफा अपने हाथों तुम्हें पहनाना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत कलाई में इतना मामूली कंगन कुछ अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। जो गिर गया सो गिर गया, और फिर गिरे हुए को उठाना आज का दस्तूर नहीं। अरे हाँ दौड़जान, तुम केक काटो, वक्त क्यों जाया करती हो। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो गोरी, अपने मेहमान से कहो यहाँ से चला जाए। मेहमान अपनी मर्जी से जाते हैं तारिक साहब, दूसरों की मर्जी उन पे लागू नहीं होती। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ गोरी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे और अपने ताल्लुकात का कुछ तो ख्याल करो।
मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। हम आपकी पसंद जरूर है, लेकिन आप हमारी पसंद पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आपको हमारी खुशी नागवार गुजरती है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। गौरी! आओ गौरी, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं तुझे तबायत से शरीफ औरत बनाना चाहता था, लेकिन जहाँ पर तुझे रास्त नहीं आई, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इस हद तक गिर जाएगी। बेवफा, धोखेबाज, फरेबी! तारिक साहब, हम दुकानदार हैं, हमारे कारोबार को फरेब और हमारे इखलाक को धोखे का नाम मत दे। हम माल नकद बेचते, मुफ्त का सौदा तकसीम नहीं करते। तवायफ के दिल की बालकनी तक पहुंचना हो तो नोटों का भी ना इस्तेमाल करना पड़ता है। जाइए तारिक साहब, आपका टाइम खत्म हो गया। तारिक, तारिक, क्या हो गया आपको? आंखें खोले, क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? खाला, जल्दी से डॉक्टर को फोन करें, तारिक की तबीयत ठीक नहीं है। गौरी, मम्मी, ये गौरी कौन है? तुम्हारे सवाल का जवाब सिर्फ तुम पापा दे सकते हैं बेटे। बस हम तुम्हारे तो हमारी जिंदगी में आए। हम तुम्हारे तो हमारी तुमको छोलिया, तुमको छोलिया तो मेरे हाथ जगमगा, हाथ जगमगा, enjoy, enjoy, enjoy। हम तुम्हारी तो हमारी जिंदगी हम जमीन पर पाँव जब धरे साथ आसमान शायद करे। हम जमीन पर पाँव जब धरे साथ आसमान शायरी करे, शायरी करे। सारी कायनात हो क्योंकि सारी कायनात झूम झूम जाए, झूम झूम जाए। Enjoy, enjoy, enjoy। Let's go!
वक्त को करार आज है न कल, कीमती है यार एक एक पल। वक्त को करार आज है न कल, कीमती है यार एक एक पल, एक एक पल। ये हंसी समा देखिए, हंसी समा कहीं बदल न जाए, कहीं बदल न जाए। Enjoy, 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 enjoy। हमारी जिंदगी में आए हम तुम्हारी, तुम हमारी जिंदगी में आए। Enjoy, 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 enjoy। तुमको छूलिया हो, तुमको छूलिया तो मेरे हाथ जगमगा, हाथ जगमगा। Enjoy, 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 ऑटोग्राफ प्लीज। आपकी फिल्म देखकर सारी रात बिस्तर पर करवट बदलता रहा। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। ऑटोग्राफ प्लीज, आप मेरी आइडियल हैं। अपना हुस्न थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। बहुत तेज हो। थैंक यू। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ बुक तो लाओ। ये लीजिए, यहाँ दिल पर ही लिख दीजिए ना। ओके, थैंक यू। ऑटोग्राफ प्लीज। तुम्हारे परिस्तार तुम्हें सब तक चाहते हैं, इसका मैं अंदाजा नहीं था। सारा मुल्क हमें चाहता है और हम सिर्फ आपको चाहते हैं। हुस्न की मलका तो तुम हो, मगर लफ्जों पर भी तुम्हारी हुकूमत चलती है। आज से हम तुम्हें अपने दिल की मलका का खिताब देते हैं। आपकी जुबान से अदा होने वाले अल्फाज हमारे लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं। आज हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम फिजाओं में उड़ रहे हैं। Please, naughty girl. You can't catch me. Please. अरे देखो, अरे my girl, my sweet girl. I want you to come in my arm circle. No, 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 no. How's that? कैसा लगा? तारिक प्लीज दवा खा ले। मुझे नफरत है इन दवाओं से। ये रंग बिरंगी गोलियां मुझे हमेशा मेरी बीमारी का एहसास दिलाती रहती है। मगर डॉक्टर साहब। ओ डॉक्टर, 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 ये तुम डॉक्टर की बात इतना क्यों मानती हो? क्यों हमेशा इसरार करती रहती हो? इसलिए कि मुझे और मुन्ने को आपकी जरूरत है। जैसे आदमी की किसी को क्या जरूरत है? अब क्या रह गया है मेरे पास? रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ तो खत्म हो गया। कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। मैं तो आपके पास हूं ना पापा। आप दवाई खा लें वरना मैं और मम्मी नाश्ता नहीं करेंगे।
प्लीज तारिक, आखिर क्यों तुम लोग मुझसे इतनी मोहब्बत जताते हो? क्यों मुझे एहसास दिलाते हो कि मैं दूसरों की हमदर्दियों के सहारे जिंदा रहूं? मुझसे उतनी ही मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत तुम हमेशा मुझे दे सकते हो। ऐसा मत कहिए तारिक, मेरी मोहब्बत और वफा सब आपके लिए है। औरत और मौसम को बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। औरत का खमीर मौसमों से नहीं वफा से बनता है तारिक, वफा से। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मेरी सोच गलत है, यही कहना चाहती हो ना तुम? अपनी सोचों को समेट कर यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। हैरान होने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो ये मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात है। आपकी तारीफ। तुम्हारे हुस्न के जिंदान में कल तक एक कैदी बंद था, मैं उसी की कुछ लगती हूँ। तो तुम तारिक की बीवी हो, बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी। कहो कैसे आना हुआ? शराफत की दहलीज से लेकर तुम्हारे चौखट तक का फासला मेरी जरूरत ने तय किया है। कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर सुन लो कि हम तुम्हारे शोहर को आजाद कर चुके हैं। परिंदे के पर काट कर उसे आजाद कर देना कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारी झूठी मोहब्बत के तख्त से गिरने के बाद वो अपने पांव पे खड़े रहना भूल चुके हैं। तुम्हारी बेवफाई उन्हें तंदुरुस्ती के दामन से खींचकर बीमारी के बिस्तर तक ले आई है। ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं। ऐसा मत कहो, जिस तरह तुमने मेरे शोहर के दिल को अपनी जुल्फों से आहिस्ता आहिस्ता बांधा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक गिरा खोल दी जाओ। झटका दोगी तो उनका दिल कट जाएगा। जहां तुमने उनसे इतने झूठ बोले हैं, उनकी जान बचाने के लिए एक झूठ और बोल दो, उनसे एक बार और मिल दो। तुम्हारी एक झूठी तसल्ली उन्हें काफी दिनों तक बहलाए रखेगी। हमारे एक झूठ पर लोग लाखों रुपए निछावर कर देते हैं। हम मुफ्त में झूठ नहीं बोलते, हम तारिक से हर ताल्लुक खत्म कर चुके हैं। वो जिंदा रहे या मर जाए हमें कोई परवाह नहीं। तबले की थाप और घुंघरों के शोर ने तुम्हारे जमीर के कान बंद कर दिए हैं। तुम लोगों की जिंदगी से खिलौना समझ कर खेलती हो। मुझे मालूम नहीं था तुम अपनी अदाएं बेचते बेचते अपने अंदर की औरत को भी नीलाम कर चुकी हो। गलती मेरी है गौरी बाई, मैं तुम्हें एक औरत समझकर तुम्हारे दरवाजे तक चली आई। तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में शैतान के पैरों का हो, शैतान की। बस बहुत हो चुका, अब तुम आराम करो वरना थक जाओगे। क्या कहा आपने? औरत जात को समझना बहुत मुश्किल है, जहां मौजूद हो वहां अक्सर नहीं होती। माफ कीजिएगा, आज हमारी दो फिल्मों की नुमाइश है और अबू मामा अभी तक रिपोर्ट लेकर नहीं आए। कम इन, कहो क्या रिपोर्ट लेकर आए हो? मैडम की दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई सर। लोग इतनी बड़ी गालियां देते हुए चले गए सर। शट अप, दफा हो जाओ यहां से, हम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। गुस्सा मत करो गोरी जान, बिजनेस में ये सब चलता है। हमें कोई फिक्र नहीं,
हमारी अभी दर्जनों फिल्में बाकी हैं। तुमने पिछले कई सालों से सिर्फ कामयाबी की शक्ल देखी है, नाकामी का मुंह नहीं देखा। अपनी हार को जीत में बदलना चाहते हो तो शिकस्त को कबूल करना भी सीखो। कामयाबी हमारी गुलाम है और शिकस्त हमारे साए से भी डरती है। गुरूर का कद अगर लंबा हो जाए तो उसे नीचे दिखाई नहीं देता। अब छोड़िए, हमें आपके मुंह से अपनी तारीफ के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हम तुम्हारी पसंद और नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तारीख ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी दिखाई, मगर तुमने उसे भी नापसंद कर दिया। हीरे का हीरा होना जरूरी होता है, फिर उसे कोई भी जौहरी तराश सकता है। जौहरी या नाड़ी हो तो हीरे की शक्ल बिगाड़ देता है। सलाम सर। मलिक साहब आइए सर, इस दफा आप काफी दिनों के बाद आए, खैरियत तो थी? खैरियत थी। एक नई किताब आई है सर, मैंने खुद भी इसे पढ़ा है। अगर आप जैसा जहीन डायरेक्टर चाहे तो इस किताब में से फिल्म का बेहतरीन स्क्रिप्ट तैयार कर सकता है। कहाँ है, दिखाओ। अभी लाया सर। ये लीजिए सर, नई किताब तो वाइफ की बेटी। आज तक तुझ जैसी बेहया बेगैरत कम नस्ल और जलील औरत नहीं देखी। इस मासूम के पैरों में छनकते हुए ये पीले नाक पहनाने से पहले मुझे याद क्यों नहीं रहा कि एक शरीफ बाप की बेटी है? क्यों याद नहीं रहा? बासा, दूसरों की बेटियों के नाचते बल खाते जिस्म देखकर दादे ऐश देने वाला तमाशबीन आज अपनी बेटी को अपने सामने नाचता देखकर किस कदर बेताबी से तड़प उठा। वाह साहब, अगर आज आपको अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है तो मौशरे के दूसरे शरीफों से भी कहिए कि अपनी अपनी बेटियां पहचान के यहां से ले जाए। अपनी औरतों को बापर्दा रखने वाले शरीफ साहब, बाजारे हुसन में नाचने वाली तवायफ, किसी मजदूर, किसी किसान और किसी गरीब का खून नहीं होती। यहां कोई किसी सरमायादार की औलाद है तो कोई किसी जागीरदार की बेटी या फिर आप जैसे शुरफा। यहां अपनी अपनी शराफत की निशानियां छोड़ जाते हैं। तो कुछ भी बोल, मैं अपनी बेटी को इस माहौल में नहीं रहने दूंगा। किसकी बेटी और कौन सा बाप? आदारे हुसन में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है। आपके पास क्या सबूत है कि आप फूल के बाप हैं? कोई निकाला मैं दिखा सकते हैं आप? जवाब दीजिए तारिक साहब। मैं यहाँ जवाब देने नहीं, अपनी बेटी फूल को लेने आया हूँ। फूल को शौक से ले जाइए, मगर ये मत भूलिए कि आप इस वक्त एक तवायफ के कोठे पे खड़े हैं और फूल एक तवायफ दादी है। तमाशबीन बनकर अपनी बेटी की बोली लगाइए, सौदा हो गया तो बेशक माशूक समझकर ले जाइएगा। उफ़, आहिस्ता बोलिए तारिक साहब, आप जैसे शुरफा को ऊंचा बोलना जेब नहीं देता। नोट दिखाइए, माल हाजिर है। तू इंतहाई घटिया औरत है गोरी, तूने मुनाफिकत से काम लेकर मुझ जैसे आदमी को रुस्वा किया। मैंने तुझे मामूली नाचने वाली से मुल्क की नामवर फनकारा बना दिया। अपना लाखों रुपया
तेरी एक एक अदा पर कुर्बान कर दिया, उसके बस तूने मुझे बर्बादी दी, बदनामी दी। क्या यही सिरा था मेरे एहसानों का? जवाब दे। आप खुद अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए, आपने अपने एहसानों के बदले हमारा हुस्न खरीदा, हमारी जवानी खरीद। आपने हमें बेईमान कहा, मुनाफिक कहा। हम तो खुलेआम हुकूमत से नाच गाने का लाइसेंस लेकर दुकान सजाकर बैठते हैं, और आप जैसे शरीफ आदमी अंधेरों की चादर ओढ़कर हमसे मिलने आते हैं। बोलिए, मुनाफिक आप हैं या हम? आप अपनी वफादार बीवियों के होते हुए भी हम बेवफाओं की दुकान से वफा खरीदने आते हैं। बोलिए, बेवफा हम हैं या आप? हम दौलत लेकर इज्जत बेचते हैं, तो आप दौलत देकर इज्जत लूटते हैं। खतावार हम भी हैं, तो गुनाहगार आप भी हैं। जुर्म हम भी करते हैं, तो मुजरिम आप भी हैं। जाए कहीं डूब के मर जाए। आप जैसे लोगों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बाजारे हुस्न की बेटी है, तो यहां पैदा हुई यहां जवान होगी, उसकी इस्मत का सौदा यहां होगा, और यहीं से उसकी इज्जत का दरवाजा भी निकलेगा। नहीं कुरी भाई, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। जाओ कुमकतु, बचाओ मेरी बच्ची को। छोड़ो छोड़ो, मैं अपनी बेटी को यहां से लिए बाहर नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप अपनी वफादार बेटियों के होते थे, हम बेवफाओं की दुकान से वफा खरीदने आते हैं। उनकी बेटी यहां पैदा हुई यहां जवान, किस्मत का फादा यहां होगा। आज यही से उसकी इज्जत का दरवाजा भी निकलेगा। जाए कहीं डूब के मर जाए। आप जैसे लोगों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आप जैसे लोगों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आप जैसे लोगों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। रुक जा, रुक जा। लहरों की तरह तुझको बिखरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। लहरों की तरह तुझको बिखरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। Oh,
कभी जैसे गुजरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। फनकार की हुस्न परस्ती कभी कभी उसकी पस्ती भी बन जाती है, मगर तुमको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बड़े लोग हमेशा बड़ी गलती कर जाते हैं। कोई और बात करो जी, मुझे अपने माजी से नफरत हो चुकी है। बेवफाई की कोहर में डूबे हुए धुंधे रास्तों पर चलते चलते मैं अपनी बिनाई खो चुका था। अब इन आंखों ने जब से देखना सीखा है तो मुझे मुन्ने और आपदा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। आइए आइए भाभी, कैसी हैं? आप कैसे हैं भैया? जिंदी रहो ऐसे बो। आपको मुबारक हो भाभी, आपके शौहर नामदार की सोच जो है वो काफी शानदार हो गई है, बल्कि काफी बदल चुकी है। ऐसे लगता है जैसे काया ही पलट गई। अच्छा? इसका सारा क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। मेरी हर खूबी तो तारिक ही बदौलत है, इन्हीं का हाथ थाम कर तो शौहर की सीढ़ी पर कदम रखा था। आपका शौहर भी अच्छा है और आपका शौहर भी अच्छा है। आप चाय पिए, जिंदी रहो, जम जम जिंदी रहो। वैसे तारकी भाई दवे बल्कि तेई दवे, अब कौन सी फिल्म बनाने का इरादा भाई? इरादा तो बहुत कुछ बनाने का है, लेकिन कुछ भी बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए मेरे भाई। मैं समझा नहीं। आई कांट अंडरस्टैंड यू। यार एक फ्लॉप डायरेक्टर की सोच पर कौन प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाना चाहेगा, लिहाजा मैंने और आपदा ने फैसला किया है कि हम अपनी जाती प्रोडक्शन शुरू करेंगे ये घर बेचकर। नहीं तारकी, नहीं नहीं तारकी, मैं अपनी भाभी की जन्नत देखते नहीं देख सकता। तुम्हें तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा। जिंदा रहो ना दोस्त,
मुझ में एहसानात का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। देखना अगर कारोबार ठीक रहा तो घर बन जाएगा। और मैं दोस्ती का भरम कायम रखने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जिद ना करो अजीम, ऐसे तुम्हारा सारा रुपया डूब भी सकता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी सोच अब नाकामी का चेहरा नहीं देखेगी, क्योंकि मेरी दुआएं और भाभी की वफाएं दोनों तुम्हारे साथ हैं। लिहाजा फिल्म तुम शुरू करोगे, रुपया मैं दूंगा। बार देखा, तारिक की एक नई फिल्म रिलीज हो रही है और सुना है इस फिल्म में भी उसने किसी नई हीरोइन को चांस दिया है। हर लड़की के नसीब में गोरी होना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे हुस्न का भूत उस कमबख्त की आगे चाट गया है बेटी। तारिक के सर से ये भूत उतरेगा तो अकल काम करेगी ना। बाजी, ये तारिक कौन है? हमारे कारवां की धूल का नाम तारिक है। किसी से बात न करना। सेठ दौलत जहां पर डाली हुई तुम्हारी कमर कुछ ढीली पड़ती जा रही है बेटी। 10 रोज हो गए ना वो आए ना पैगाम आया। ये तुम्हारी गलत फहमी है मामा। हमारे हुस्न के जाल में फंसा हुआ पंछी फड़फड़ाता जरूर है, लेकिन उसे आखिरी सांस तक रिहाई नसीब नहीं होती। हाय हाय, पंछी फड़फड़ाए तो वो आजादी मांगता है बेटी। मेरी बात को फेंको मत। सेठ दौलत जहां अगर जमाने की रोशनी में गुम हो गया तो फिर उसका मिलना मुश्किल हो जाएगा। तमाम हमें इंतजार किस
ये फिरा मुझे दर बदल जमाने में ये फिरा जो मुझे दर बदल जमाने में हाल तुझे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप हमारे अपने ताकत का पास कीजिए। आपने हमारी चाहत बहुत मुश्किल से हासिल की थी। ना कारोबार का एक ही फायदा होता है, जब चाह खरीद लिया जब चाह छोड़ दिया। नहीं, नहीं हो सकता। हमारे लिए तुमने तारक जैसे मोहसिन को ठुकराया। आज हम चंदा के लिए तुम्हें ठुकराते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। आपका टाइम खत्म हो गया है। Thank you.
दौलत जहां ने एक मामूली सी लड़की के लिए हमें अपने घर से निकाल दिया। बोलो छैया जान, क्या हमारा हुस्न बेअसर हो गया है या हमारा वक्त खत्म हो गया है? बोलो छैया जान, जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? वक्त जालिम इतनी खामोशी से गुजरता है कि उसकी आहट तक सुनाई नहीं देती। पहले पहल मैं भी तुम्हारी तरह रोई थी, चिल्लाई थी, मगर फिर मैंने तुम्हारे वजूद में अपनी जवानी को तलाश कर लिया और मुझे सबर आ गया। याद रख बेटी, बाजारे हुस्न में पैदा होने वाली हर लड़की बीते दिनों में आशूक और फीके दिनों में नायिका बनती है। नहीं, कोई हमें हमारी मर्जी के बगैर छोड़ दे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हकीकत को बर्दाश्त करना जरा मुश्किल होता है बेटी, मगर तवायफ के यहाँ लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। वो नहीं और सही, और नहीं और सही, हर कोई हमें हासिल कर ले ये हमारी तौहीन है। हम मर तो सकते हैं मगर अपने आप को सस्ता नहीं बेच सकते। सोने की परख कसौटी और दवाइफ की परख तमाशबीन की चाहत करती है। चौबन की सीढ़ियों से उतरती हुई दवाइफ अपनी पसंद से नहीं, दूसरों की मर्जी से बिकती है। जरा अपनी बेटी फूल पर शबाब आने दो, फिर तुम अपने आप को तरोताजा महसूस करोगी। इससे पहले कि हमारी फूल पर खिदा आ जाए, इससे पहले कि वो हमारा दामन पकड़कर हमसे कोई सवाल करे, इससे पहले कि हमारी बेटी की आबरू बाजारे हुस्न के तराजू में डालकर चंद सिक्कों की इज्जत नीलाम कर दी जाए, हम अपनी बेटी को गुनाह की इस मंडी से बहुत दूर ले जाएंगे। तुमने मां बनकर हमारा व्यापार किया, हम मां बनकर फूल को प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। गौरी, अगर तुम हमारी बरादरी के असूलों से टकराओगी तो पाश पाश हो जाओगी। छैया भाई, अगर तुम्हें हमारी मां बनकर रहना कबूल है तो ठीक है, वरना आज से तुम्हारा हमारा हर रास्ता जुदा है। हम तुमसे और इस बाजार से अपना हर नाता तोड़ते हैं।
होश में आओ गोरी, भूल तुम्हारी बेटी और मेरा मुस्तकबिल है। मैं तुम्हारे पागलपन की वजह से अपने आने वाले वक्त को बर्बाद नहीं होने दूंगी। माँ बनकर नहीं, एक तवाइफ की बेटी बनकर सोचो। भूल तुम्हारे और हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम अपना खलीज मुंह बंद कर भैया भाई, हम भूल के पैरों में गुनाहों के घुंघरू नहीं बांधने देंगे, शराफत की पाजेब पहनाएंगे। तुम यहां से निकल जाओ, निकल जाओ गोरी, मैं कहती हूं यहां से निकल जाओ छैया भाई, निकल जाओ यहां से। यार कभी मत आना, कभी मत आना। जेंटलमैन, आज मेरे दोस्त तारक ने फिर एक फिल्मी छक्का मारा है। फोटो इसने साबित कर दिया है कि गिर के उठना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना के लोग समझते हैं। इसी बात पे जोरदार तालियां। दोस्तों खाने पे टूट पड़ो। मिसेस तारिक, आप एक कामयाब घरेलू बीवी होने के नाते हमारे अखबार के जरिए हमारे मुल्क की खवातीन को कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, क्यों नहीं, लिखिए। औरत की कामयाबी उसके सब्र के पीछे छुपी रहती है। तारकी, ये मेरी दोस्त है, तुम्हारी फिल्में बड़े शौक से देखती है। यार तारकी, ये हीरो नहीं बन सकती? अगर शौक है तो क्यों नहीं बन सकती?
फिर जूते रहो किसी रात। एक्सक्यूज मी सर, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मुझसे? जी। एक्सक्यूज मी। आइए सर। से उल्टे पांव वापस लौट जाओ। इस पार्टी में तुम्हारे मतलब का कोई शिकार नहीं है गोरी बाई। बाई नहीं, फूल की मां कही है तारिक साहब। नाम बदलने से जात नहीं बदलती। मुझे नफरत है तुम्हारे हर रूप से। एक तबायब से आपकी नफरत बजा है, मगर आज एक मां अपनी बेटी के बाप से ये कहने आई है कि वो अपनी बेटी को उसकी गुनाहगार मां के नक्शे कदम पे चलने से रोक ले। बाप? कौन बाप और किसकी बेटी? कोई निकाह नामा या तहरीर दिखा सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि फूल मेरी बेटी है? ये तो उस बाजार की बेटी है जहां औलाद को सिर्फ मां के नाम से पहचाना जाता है। यही कहा था ना तुमने? और फिर आज बाजार हुस्न की सबसे बड़ी दवाएं और फिल्मों की नामवर हीरोइन को अपनी बेटी के लिए बाप का ख्याल कैसे आ गया? जाओ, अपनी तमाम दौलत देकर दुनिया के बाजार से अपनी बेटी के लिए बाप खरीद सकती हो तो खरीद लो, और अगर कोई बिकने से इनकार करते तो इस बेकसूर के पैरों में बदनामी के घुंघरू बांधकर से बाजारे हुस्न के जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर दो। और याद रखो गोरी भाई, तेरा भी माशरे के हर शरीफ आदमी की तरह एक तवायफजादी से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। जाओ, हम आपके कसूरवार हैं, मगर फूल फूल तो बेकसूर है। बाजारे हुसन की इत्तबाए एक शरीफ आदमी से ये कहने आई है कि इस मासूम बच्ची को शराफत की चादर और चार दीवारी में पनाह देकर वो तमाम हकूक अदा कर दिए जाए जो मुआशरे की शर्फा की बहु बेटियों को हासिल होते हैं। वरना बाजारे हुस्न में गुनाहकारों की बेगुनाह बेटियों के नाचने और बिकने का सिलसिला कयामत कयामत तक जारी रहेगा। कौन है गुनाहकार जिसने तुम्हें इज्जत दी मगर तुमने जिसे बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया? कौन है गुनाहकार जिसने तुम्हें वफाएं दी अगर तुमने बेवफाई के खंजर से जिसकी वफाओं का गला काट डाला? कौन है बनाकर जिसने तुम्हें शराफत की निशानी दी अगर तुमने जिसके पैरों में घुंघरू बांधकर उसकी शराफत को सरे बाजार नीलाम करना चाहा? कौन है बनाकर? सब कुछ लूट चुकी हो मेरा, लेकिन अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती गोरी। जाओ, चली जाओ यहां से। खुदा के लिए तारिक,
हमें समझने की कोशिश करो। हम अपने पीछे गुनाह के तमाम दरवाजे बंद करके तुम तक पहुंचे। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, मगर हमारी भूल को अपना लो, वरना वरना तुम्हारा ये शरीफ माशरा हमारी भूल की एक एक पंखड़ी नोच लेगा। हरगिज नहीं। एक मुद्दत के बाद मैंने सुख का सांस लिया है और तुम मुझे फिर दुखों के जहन्नुम में धकेलना चाहती हो। अगर अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बावफा बीवी और मासूम बच्चे पर गम का कोई साया नहीं पड़ने दूंगा। तुम चली जाओ कोई, ये समझ कर चली जाओ कि तुमने जितनी दुआएं और इल्तजाएं की हैं वही गुनाहगार की कब्र पक्की है, जहां से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। मैं फूल को अपनी बेटी मानने से इनकार करता हूं, इनकार करता हूं, इनकार करता हूं। ठहरो ठहरो। एक बाप ने अपनी बेटी को अपना कहने से इनकार कर दिया है तो क्या हुआ? एक माँ उसे बेटी बनाने का इकरार करती है। मैं अपने शौहर की इज्जत को सरेबाज़ रुस्वा नहीं होने दूंगी। इस बच्ची को वो तमाम हुकूक मिलेंगे जो माशरे में शुरफा की बेटियों को हासिल होते हैं। इसे घर, माँ बाप और भाई सबका प्यार मिलेगा। जाओ बेटी, आज से यही तुम्हारे माँ बाप है। एक तबाइफ माँ इससे बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। Thank you.